दिवाली कब है भाई? कब है दिवाली? दिवाली कब हो रहा है? बेसब्री से इंतजार। अब आप पूछोगे क्यों हो रहा है इंतजार भाई? दिवाली पे आने वाली है सलमान खान की टाइगर 3 भाई, जिसका बेसब्री से बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है। लोगों में क्रेज है सोशल मीडिया पे। आप देखोगे टाइगर 3 के बारे में कितने सारे अपडेट्स हैं, नए नए तरीके वीडियो बन रहे हैं, लोग कहानी का क्यास लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर है कोई कुछ बताते नहीं और सलमान खान भी मुंह खोलते नहीं भाई, अपने रोल को लेके कुछ नहीं बताते। ये तो सबको पता है कि भाई देखो टाइगर जो है वो रोल का एजेंट है, ये तो सबको पता है। लेकिन बात ये हो रही है कि इस फिल्म की कहानी किस तरीके चलेगी। इसके पहले देखो अनुपम गुप्ता कहता शायद टाइगर 1 देख लो आप या टाइगर जिंदा है मैं देख लो। तो होता क्या था उसमें, होता था कि सलमान खान एक मिशन पे जाते थे, वहां पे विलन होते थे, आतंकवादी होते थे, लोगों को भी छुड़ाते थे, बचाते थे, देश की रक्षा करते थे, सुरक्षा करते थे, और उसी में आईएसआई एजेंट सबका प्यार हो जाता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें थी। लेकिन अब भाई इसमें होने वाला है एक नया खतरनाक काम ही होने वाला है, क्योंकि इसमें विलन के तौर पर आने वाले इमरान हाशमी। अब भाई देखना ये होगा कि इसमें डायरेक्टर जो है वो किस तरीके से इसको प्लेस करते हैं, यार इमरान हाशमी के रोल को सलमान खान के सामने किस तरह से पोर्ट्रेट करते हैं। क्योंकि भाई देखो वो होता है कई तरह की फिल्म होती, एक फिल्म होती है जिसमें कोई भी विलन आप लेते हो, जो विलन होते हैं ना अभी बहुत खास नहीं होते हैं, लेकिन एक होता है जिसमें आप विलन किसी एक्टर को लेते हो, किसी हीरो को लेते हो, लेकिन उसको एज एंटागनिस्ट लेते हो, तो भाई उस फिल्म से उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। और ऊपर से भाई साहब इसमें इमरान हाशमी जैसा विलन है जिनका भाई विथ तो जबरदस्त होता है फिल्मों में, और वो बंदा साइको एक्टिंग कर सकता है, नेगेटिव एक्टिंग भी कर सकता है, क्रेश शो तो वो किया है। आप उसकी वर्क अपॉन टाइम में मुंबई देख लो भाई, अजय देवगन जैसे दिग्गज कलाकार के सामने भी कसम की बंदे ने स्किन प्रेजेंस दिखाई है, डॉलर बीवी क्या है, और नेगेटिव शेड में मजा आता है। वो तो फिलहाल पूरी तरीके से नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था, थोड़ा ग्रे शेड था, लेकिन इस फिल्म में उनका होने वाला है पूरी तरीके से नेगेटिव कैरेक्टर, यानी वो टाइगर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी भाई सलमान खान के सामने कोई विलेन चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जो दमदार होना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ सलमान खान को अगर उसने धूल चिटाई या सलमान खान को आमने सामने हुए तो स्क्रीन पे लगना चाहिए ना कि कोई बनता है। एक तो सलमान भाई की बॉडी जबरदस्त, ऊपर से उसका स्क्रीन प्रेजेंस एक गजब अलग ही अवा बना होता है, एक अलग ही माहौल बना होता है। ऐसे में भाई इमरान हाशमी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो किस दिन सामना करते हैं, अपना स्क्रीन प्रेजेंस कैसा रखते हैं। देखा जाए तो पिछले 2 साल से वो काफी मेहनत कर रहे हैं अपने फिजिक को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, क्योंकि भाई जब सलमान खान सामने बनता हो तो लगेगी कुछ है, ऐसा नहीं कि बस मुंह उठा के चले आए। तो भाई इमरान हाशमी अब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका करेक्टर जो भी होने वाला है बड़ा सरप्राइजिंग एंगल वाला होने वाला है, लोग ऐसे क्यास लगा रहे हैं। अब भाई ये तो रही बिलक की बात, लेकिन भाई अब जो लोगों के बेसब्री से और इंतजार होगी वो इसलिए क्योंकि भाई इसमें जो है शाहरुख खान का कैमियो, पठान का कैमियो, जिस तरीके से पठान में टाइगर का कैमियो हुआ था उस कैमियो को देखने के लिए बेकार आ रहे हैं भाई, मेरे से भी रहा नहीं जाता, इंतजार हो नहीं रहा है, क्योंकि भाई देखना है उसमें क्या होता है, मुझे देखना है कि इन दोनों की जोड़ी क्या बोल खिलाती है, क्या नया होता है। क्योंकि भाई पिछली बार तो बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट कर लिया था बॉलीवुड ने, वो जो लास्ट का सीन था पोस्ट एंड सीन और फिल्म के बीच में जो ट्रेन वाला सीन जिसमें सलमान खान आए थे शाहरुख खान को बचाने, भाई तहलका मचा दिया था, तो वो एक नया एक्सपेरिमेंट था बॉलीवुड में। अब देखने वाली बात है अगर वही चीज उसी टाइप की रिपीट करेंगे इसमें तो भाई कुछ अच्छा नया कुछ नहीं लगेगा, हालांकि अच्छा वो भी लगेगा लेकिन कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे में भाई मेकर्स को चाहिए कि वो सीन जो बिल्डअप करेंगे इन दोनों के स्किन प्रेजेंस वाला, यानी सलमान और शाहरुख वाला, उसमें कुछ दम तो होना चाहिए भाई। अगर दम नहीं हुआ तो पब्लिक यार उसको क्रिटिसाइज करेगी, क्योंकि उम्मीदें एक लेवल की बढ़ चुकी है पठान के बाद, तो टाइगर 3 में वो चीजें पूरी होनी चाहिए, उस उम्मीदों को पूरा करना मेकर्स की जिम्मेदारी। लेकिन दर्शक आता है भाई सिनेमाघरों में पैसे खर्च करके फिल्म को हिट कराता है, तो मेकर्स की जिम्मेदारी है कि सीन को ऐसा बनाए कि बवाई मच जाए, सीटी बज जाए, धनका लग जाए, आग लग जाए। तो ऐसा तो पठान में हुआ था, टाइगर को क्या पठान से कंपेयर किया जाएगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि भाई एक ही स्पाई यूनिवर्स से फिल्म है, तो ऐसे में तो देखना पड़ेगा कि कौन 19 पढ़ता है कौन 20 पढ़ता है। पठान ने तो ट्रेंड सेटर रिकॉर्ड सेट कर दिया, इतने साल बाद शाहरुख खान आया, फिल्म ने जबरदस्त कमाई की, अब ऐसे सलमान खान के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि आज के नाम की जो किसी का भाई किसी की जान जैसी मूवी थी वो सब कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आई, उनको हार्डकोर एक्शन रोल में लोग फिर से देखना चाहते हैं, टाइगर के रोल को रिप्राइज करने में लोग फिर से देखना चाहते हैं। अब सलमान खान को भी देखना होगा कि फिल्म कैसी जाती है, इसका प्रमोशन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को भाई देखो प्रमोशन से ही अवेयरनेस होती है कि फिल्म में क्या क्या चीजें हैं, अभी तक तो सिर्फ हाइपोथेटिकल चीजें चल रही है, कयास लगाया जा रहा है। अब ऐसे में रूमर और उनका था बीच बीच, मैंने वीडियो बनाया था कि भाई इस फिल्म में क्या होता है कि जोया की डेथ हो जाती है पठान की वजह से और टाइगर देख लेता है, तो यहाँ से टाइगर और पठान की दुश्मनी शुरू होती है, जो मैंने आपको बताया भी था। ये क्यों शुरू होती है? दरअसल दुश्मनी इसलिए शुरू होती है क्योंकि भाई जो आने वाली नेक्स्ट मूवी है टाइगर वर्सेस पठान, उसके लिए यहाँ पे जमीन तैयार की जाएगी, उसके लिए रिक्वेस्ट होना चाहिए भाई अगर टाइगर वर्सेस पठान मूवी का नाम है, जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन थी, तो उसमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन था तो क्यों था,
क्योंकि भाई बैटमैन को सुपरमैन की विचारधारा पसंद नहीं थी, सुपरमैन को बैटमैन की नहीं थी, इसीलिए लेके एक तरह से वॉर हो जाता है दोनों में। इसी तरह बात है कि टाइगर वर्सेस पठान पे दोनों की दुश्मनी अगर दिखाई जाएगी तो उसमें कोई शायद रीजन होना चाहिए, कोई बड़ा रीजन होना चाहिए। तो ऐसे में लोग कयास ये लगा रहे हैं कि इसमें सोया की डेथ हो जाती है, जो टाइगर की मेन हीरोइन है यार, उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में बताओ टाइगर तो माफ करेगा नहीं, और पठान क्यों मारता है उसको या गलती से मर जाती है ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तो पक्का है कि इन दोनों की दुश्मनी ऐसी तो होने ही वाली है, क्योंकि इस पर कोई अलग मूवी बनेगी, जबरदस्त दुश्मनी होने वाली है। मुझे लगता है ऐसी दुश्मनी आज तो शायद बॉलीवुड में किसी ने ना देखा हो। मुझे ऐसी फिल्म याद आ रही है जो राजकुमार और वीर कुमार साहब की थी, सौदागर, जिसमें पहले दोनों दोस्त होते हैं फिर दुश्मन होते हैं, जबरदस्त फिल्म थी। मुझे लगता है कि इस फिल्म में भी इन दोनों के कैरेक्टर को उतना ही गहराई, उतना ही तेज दिया जाना चाहिए, दोनों के रोल को एक बराबर से ही बदल देना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे के सामने, कोई किसी के सामने हल्का ना लगे, दोनों के रोल जबरदस्त होने चाहिए, ताकि स्क्रीन पे इंटेलिजेंस बना रहे। तो दोस्तों आप बताइए आपको इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है कि नहीं, और आप टाइगर 3 का ज्यादा इंतजार कर रहे हैं या टाइगर वर्सेस पठान का? भाई अभी फिलहाल तो मैं टाइगर 3 का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि दिवाली के मौके पे मुझे देखना है इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और देखना है कि जो वायर की स्पाई यूनिवर्स को कहां तक लोग एक्सपैंड कर ले जाते हैं। और मुझे इसका इसलिए भी इंतजार है क्योंकि इमरान हाशमी की एक्टिंग का मैं फैन हूं, और मुझे उनको सलमान खान के सामने एज एंटेगनिस्ट देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप कर रहे हो फिल्म का बेसब्री से इंतजार तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और वो घंटे का जो आइकन है छोटी सी बेल उसको दबा दो, उससे होगा ये कि जो नया वीडियो लाएंगे आपको अपडेट मिल जाएगी सबसे पहले। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, चलते फिर मिलते हैं एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।